हाय एवरीवन, मैं हूँ सपना और मेरे चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए नमकीन मुरमुरा चिवड़ा, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही झटपट से बन जाता है। दोस्तों ये टेस्टी तो है ही, साथ ही इसके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, तो आप इसे घर पर इजिली बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मुरमुरे और साथ ही हमने लिया है एक बॉल मूंगफली और यहाँ पे लिए हैं हमने नारियल। नारियल को हमने पतला पतला लंबी शेप में कट कर लिया है और साथ ही हमने लिए हैं कड़ी पत्ते, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, एक चम्मच हमने पिसी हुई चीनी ली है और साथ ही हम ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे लिए हमने आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला और हमने लिए यहाँ पे दो हरी मिर्च, इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है और साथ ही लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे ले लिए हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरे के चटकते ही हम इसमें ऐड कर देंगे राई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते। इससे मुरमुरा चिवड़ा में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये हेल्दी भी होता है। और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना, मुरमुरा चिवड़ा बनाना बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही झटपट से बन भी जाता है और आप इसे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। तो ये देखिए हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी पाउडर। दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है तो सभी को चटपटा खाने का बहुत ही मन होता है, तो आप इन्हें इस तरीके से बनाकर स्टोर कर सकते हैं क्योंकि बार बार किचन में जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मुरमुरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है और ये हम इसमें मुरमुरा ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे हमारे मुरमुरे क्रिस्पी हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना, मुरमुरा चिवड़ा बनाना बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही झटपट से बन भी जाता है। तो ये लीजिए दोस्तों, ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, और इसे देखकर तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो क्या सोच रहे हैं आप भी, झटपट से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बना ही लीजिए। बच्चे हों या बड़े, सभी का मनपसंद मुरमुरा चिवड़ा बनकर है तैयार और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।